एक बार फिर आ गया हूं इस विचित्र संसार के सत्य से आपका परिचय कराने। आज मैं आपको तंत्र विद्या के प्रयोग और प्रभावों के बारे में बताऊंगा और तंत्र मंत्र के प्रयोग से कैसे नई नई समस्याओं का जन्म होता है ये भी बताऊंगा। गौर से देखिए। देवों के देव महादेव से जन्मी थी तंत्र विद्या। ईश्वर को साधने की सबसे अचूक विधि है तंत्र विद्या। गुप्त रखे जाते हैं तंत्र के सिद्धांत। तंत्र के गलत प्रयोग से मच सकता है उत्पात। हिंदू धर्म में हजारों तरह की साधनाओं की चर्चा की गई है। तंत्र भी साधना की एक पुरानी विधा है जिससे बड़ी बड़ी सिद्धियां पाई जा सकती हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो व्यक्ति सांसारिक या आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए सिद्धियां पाना चाहता है, लेकिन कई बार लोग अपने शत्रु या विरोधियों को परेशान करने के लिए भी तंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है तंत्र और क्या है इसका प्रभाव। तंत्र एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा और मन को बंधन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है। इस प्रक्रिया से ईश्वर का अनुभव करने में सहायता होती है। इस प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। तंत्र की सही प्रक्रिया से हम अपने मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं और अद्भुत शक्तियों के स्वामी भी बन जाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो आम तौर पर साधना के चार प्रकार हैं: तंत्र, मंत्र, यंत्र और योग। तंत्र साधना इनमें से सबसे अचूक मानी जाती है। कहते हैं कि उत्तम विधि से ये साधना की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन तंत्र से समस्या भी पैदा हो सकती है। कैसे? खुद ही देख लीजिए। तंत्र के सही प्रयोग से व्यक्ति को शक्तियाँ मिल जाती हैं। इन शक्तियों से व्यक्ति दूसरों की सहायता और ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता है। कभी कभी कुछ लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को परेशान करते हैं और उनके जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। लेकिन तंत्र की वजह से हर समय समस्या नहीं हो सकती। तंत्र से समस्या तभी होगी जब कुंडली में खराब ग्रहों की दशा चल रही हो, विशेष रूप से राहु, केतु, कमजोर सूर्य या चंद्र की दशा में तंत्र परेशान करता है। कई बार इंसान कुछ अजीब सी समस्याओं से घिर जाता है। वो समस्या शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कुछ भी हो सकती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो तंत्र की समस्या इंसान का पीछा जल्दी नहीं छोड़ती और खतरनाक भी होती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कैसे पहचाने कि आपकी परेशानी का कारण तंत्र साधना है। आइए जानते हैं। अगर कुंडली में राहु, केतु, खराब सूर्य या खराब चंद्र की दशा हो, अगर दशाओं के उपाय करने से भी राहत नहीं मिल पा रही हो, अगर बिना कारण के मन बुझा बुझा सा रहता हो, अगर अनजाना डर सता रहा हो, अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं जिसका हल नहीं निकल पा रहा हो, तो देर मत कीजिए, एक बार अपनी कुंडली पर नजर डालिए। कहीं आप तंत्र साधना के गलत इस्तेमाल का शिकार तो नहीं हुए हैं। तंत्र विद्या का प्रयोग सदियों से होता रहा है। लोग अक्सर गलत कर्मों में लिप्त होकर अपने शत्रुओं और विरोधियों को परेशान करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए आज मैं धर्म आपको तंत्र बाधा से मुक्ति पाने के अचूक उपाय बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष राशि, फंसा हुआ पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सेहत का ध्यान रखें, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 79। वृषभ राशि, कारोबार में सफलता मिलेगी, शादीशुदा जिंदगी में परेशानी होगी, लड़ाई झगड़ा ना करें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 82।
मिथुन राशि, अचानक पैसे मिलेंगे, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, नई नौकरी मिलने का योग है, शुभ रंग चॉकलेटी, भाग्य प्रतिशत 95। कर्क राशि, अचानक पैसे मिलेंगे, रुका हुआ काम बनेगा, खान पान का ध्यान रखें, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 80। सिंह राशि, मनोरंजक यात्रा पर जाने का योग है, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 49। कन्या राशि, कोई अच्छी खबर मिलेगी, उपहार का लाभ होगा, सहयोगियों से विवाद ना करें, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 73। तुला राशि, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, लंबी यात्रा पर जाने का योग है, मान सम्मान मिलने का योग है, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 88। वृश्चिक राशि, मुकदमे में विजय मिलेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी बरतें, वाहन दुर्घटना से सावधान रहें, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 78। धनु राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, तीर्थ यात्रा पर जाने का योग है, नौकरी में प्रमोशन होगा, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 82। मकर राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें, लाइफ पार्टनर की सेहत पर ध्यान दें, दौड़ भाग कम करें, शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 81। कुंभ राशि, परेशानियां दूर होंगी, पैसे की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 88। मीन राशि, उच्चाधिकारियों से मदद मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, नई गाड़ी खरीदेंगे, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 89। तंत्र मंत्र के बुरे प्रभावों से बचने के उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं तुरंत लौटूंगा। नकारात्मक व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है या कोई तंत्र विद्या के प्रयोग से आपको कष्ट पहुंचा रहा है, तो आज मैं आपको इसके दुष्प्रभावों से बचने के उपाय बताऊंगा। इस उपाय से आपको हर तरह के तंत्र की बाधा से मुक्ति मिलेगी। अगर आप है अनजान दुश्मनों से परेशान, नहीं मिल रहा किसी समस्या का समाधान, सता रहा है कोई अनजाना डर, तो हो जाए सावधान, क्योंकि ये हो सकता है तंत्र साधना का सर। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिनकी जिंदगी पर तंत्र मंत्र या टोटके का बुरा असर होता है, उन्हें जिंदगी के किसी भी पहलू में सुख और शांति नहीं मिलती। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से घिरे हैं, तो देखिए
तंत्र बाधा से मुक्ति के अचूक उपाय। उपासना करें, विशेष रूप से शिव जी का ध्यान करें, खान पान तंत्र विद्या के जनक हैं महादेव, इसलिए इनकी उपासना से बड़ी तांत्रिक बाधा से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आप भी शिव जी का ध्यान कीजिए, फिर स्वयं महादेव उठाएंगे आपकी रक्षा का भार। अब मुझे जाना ही होगा, लेकिन फिर आऊंगा, क्योंकि आपके जीवन के सुख, शुभता और उन्नति का भार मुझ पर ही तो है। अब मुझे आज्ञा दी।